हेलो। हेलो। हाँ जी, अच्छा बताओ। हाँ हाँ सर, मुझे पूछना था कि जो रूब्रिक है होते हैं, तो मतलब अभी हमको जो रेमेडीज मालूम है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत सारी रेमेडीज होती है सर। तो रूब्रिक्स भी लिमिटेड ही मालूम है उसके बारे में। तो फिर वो पेशेंट का जो वर्जन होता है, जब आते हैं तो हम मैक्सिमम मतलब मेरे बारे में, खुद के बारे में बात करो कि उसी में ही फिट करने में चला जाता है कभी कभी टाइम, कि मालूम नहीं है रूब्रिक उसकी वजह से, जो अपन कॉमन जो पढ़ते रहते हैं उसकी वजह से वैसा होता है। तो कौन से बुक में से या मटरा मेडिका में से पढ़ना कि ऑथेंटिक कौन सा होगा? हेलो। हाँ, क्या क्या रूब्रिक होगा? नहीं, मुझको ये डाउट था कि सर कि हम जो रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो वो कॉमन कॉमन वही रूब्रिक पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम रूब्रिक मालूम भी नहीं होते, और जो मालूम है उनका थोड़ा सा अगर माइंड सिस्टम से प्रैक्टिस करें तो थोड़ा वो मेटाफर वगैरह लगाना थोड़ा मुश्किल भी जाता है सर बहुत बार। तुम कितने साल से कर रहे हो? तो मुझे तो अभी 3 साल हुए सर, 3 साल मतलब 2 2.5 साल ही हुए, 3 साल तुमने पहले से मैंने स्टार्ट वो किया पढ़ना। पहले क्या करते थे? जीपी? नहीं, मैं पहले मुंबई में जॉब करता था, तो उधर हॉस्पिटल में अटेस्ट था, तो एलोपैथी करता था, तो होम्योपैथी के तरफ इतना खिंचाव नहीं था मेरा कि एलोपैथी करेंगे जीपी करेंगे ऐसा था मन में। अच्छा, तो लेकिन मुझे जब भी मैंने प्रैक्टिस चालू किया तो पढ़ना चालू किया धीरे धीरे, अपना ऑडी वगैरह जो दोस्त लाते थे तो हाँ मुझको थोड़ा इंटरेस्ट गेन हुआ, और एक दो केस भी निकले उसमें से, तो थोड़ा और ज्यादा मतलब इंटरेस्ट आया मुझको। लेकिन निकलते केस तो, लेकिन मैं जो पढ़ता हूँ वो तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, मतलब एक रूब्रिक पढ़ो तो उसका दूसरा रूब्रिक उसमें देखो तो मतलब कंफ्यूजन आ जाता है, उसका सब रूब्रिक देखेंगे तो। नहीं, इनका यही तो जो तुमने बुक्स पढ़ी हैं, ऑडोस पढ़ी हाँ, है ना, वो भी पढ़ी है सर मैंने। अच्छा पढ़ो बार बार, ठीक है? ऑडोस पढ़ी पढ़ो, उसमें हमारे लेक्चर काफी होते हैं, तो उसमें मैंने काफी डिटेल से चीजें समझाई होती हैं। हाँ, आपका तो मैं वापस वापस पढ़ता हूँ, क्योंकि उससे बहुत क्लियर होता है मुझको कि मतलब पहली बार में नहीं समझा तो मैं 3 4 बार पढ़ता हूँ, हाँ तो फिर मतलब थोड़ा सा मतलब क्लियर होता है, अभी एक एक रूब्रिक धीरे धीरे वापस वापस थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ता हूँ तो फिर क्लियर होता है। हाँ तो वो मतलब अपना जो है कि पेशेंट का से, और फिर वो केस लेते हुए फिर उन आईपीआर में लोग जाना। वो उन लोगों का, हम लोग नहीं जाते हैं, बाकी उन लोगों का तरीका है, तो उसमें तो हाँ, मैं मैं वही ज्यादा पूछ रहा हूँ। उसमें मैं नहीं जाता हूँ। मेरा कोई केस देखा नहीं होगा तुमने ऐसे। मैं तो जो सामने पेशेंट बोल रहा होता है उस हिसाब से चलता है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन होता है कभी कभी उसका भी कि पेशेंट के सेफ है या फिर वो ऐसा भी नहीं, मुझको जो थोड़ा। जो मतलब हमें जो समझ आता है वो तो ये समझ आता है, जो पेशेंट वहाँ बैठा है, जो बोल रहा है, वो जो इम्पोर्टेंट बराबर बात होती है तो वो खुद बताता ही है। अगर उसको बराबर, उसको अपने सराउंडिंग में कोई दिक्कत है तो वो खुद ही अच्छा बता देता है आपको। अगर वो बराबर नहीं बराबर, बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसके बैकग्राउंड में उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत उन लोगों से नहीं है जितनी अभी ये वाली है। तो उसके फेशियल रीडिंग से और चीज़ों से, बोलने के ढंग से, बैठने के बॉडी लैंग्वेज से, तो आपको बहुत सारी अच्छा चीज़ें रूबरू उसमें से निकाल लेते हैं, तो वो बन जाती है। तो हमारे तो सारे हाँ केस नॉर्मली ऐसे होते हैं। या वो अगर अपने हाँ सराउंडिंग की फैमिली की बातें कर रहा है तो फिर हम वो लेते हैं। तो बराबर इसलिए बराबर, इसलिए मैं अब वो लोग आईपीआर से चलते हैं। बाकी हम लोग तो जो सामने पेशेंट बैठा है, जो उसने बोला, तो उसको उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्या कहना चाह रहा है हमारे को, क्या कन्वे करना चाहता है, कौन सी चीज़ उसके दिमाग को तंग कर रही है, तंग कर वही रही वही है, वही। या किस मेंटल स्टेट में है ये। हाँ, तो और मैंने आपको हाँ रूब्रिक के बारे में भी पूछा था कि वो जो अपने जो कॉमन जो रूब्रिक है, जैसे आपने उस दिन बताया इस पे कि टेलीग्राम पे, कि जो विल एंड इंटेंशन जो होता है, हाँ 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 वो तो ज़्यादा वो जरूरी बहुत होते हैं, इम्पोर्टेंट। वही ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो इसलिए वो मतलब यह है कि मान लो अभी तुम्हें इच्छा हुई कि मुझको रूब्रिक सीखने, सपोज, तो ये तुम्हारी हाँ क्या हुई, विल एंड इंटेंशन हुई। बराबर अब बराबर, तुम्हें उसमें उसके लिए तुम बहुत सारे काम करोगे, मान लो बुक खरीदी, इधर उधर से हाँ पूछा, ये सब क्या है, पूछा ये एक्शंस और विल रिएक्शंस एंड है, इंटेंशन। हाँ ये एक्शन और रिएक्शन है। बराबर, ये एक्शन। हाँ, तो लेकिन अगर आपके अंदर से रूब्रिक को समझने की इच्छा निकाल दो तो फिर ये सारी अच्छा, एक्शंस अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर कम हो जाएगी। बराबर आप नहीं, खत्म ही हो जाएंगे ना, फिर आप बुक क्यों खरीदोगे, क्यों मुझे फोन करोगे? तो बराबर बराबर, इसका मतलब क्या है कि जो ये ज्यादा पावरफुल होती है इच्छा वाली,
इंटेंशन आखिर वो क्या कहना चाहता है मरीज समझने के लिए भी नहीं, वो तो बातों से उसकी समझ आ ही जाता है ना, ये क्या कर रहा है क्या कहना चाहता है, बाकी चीजें तो रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शन वाले रूब्रिक जो होते हैं वो, इसलिए रिपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक हैं, तो रिएक्शन वाले रूब्रिक जैसे मान लो अम्यूजमेंट आया, चलो मैं अब वो अम्यूज करना चाहता है, उसको मजा आता है इन चीज़ों में अपनी मस्ती में रहने में, तो मस्ती में रहने के लिए तो फिर वही काम ढूंढेगा ना वो जिससे उसको मस्ती आए, मस्ती आएगी हाँ बराबर, तो वो उसके रिएक्शनरी सिम्टम हो गए। मतलब अपन जो लाइट डिजायर लेते हैं वो भी विल इंटेंशन का ही हो गया, वो डिजायर ही उसका। हाँ डिजायर हुई ना, लाइट लेना चाहता है वो मस्ती में, तो उसकी क्या इंटेंशन है, क्यों लाइट रहना चाहता है वो, उस पर अलग चीज है ना, उसमें सिर्फ लाइट की बात नहीं है, उसमें नॉलेज की भी है, रिलैक्स की भी है, होप की भी है, बहुत सारी चीजें ना उसमें, वो अलग अलग रेमेडी में अलग अलग होता है। तो मेरा मतलब यह है कि इसलिए विल एंड इंटेंशन वाली चीजें ज्यादा होती है, या डर है फियर है, तो उसमें से फियर निकाल दो तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसलिए दवाई की स्टडी करते समय ना मुझे जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे अभी तुम उसमें थे जो अभी सेमिनार हमने किया था, शायद पुरी में किया था, हाँ पुरी में, तो तुम वहाँ गए थे? नहीं सर पूरी में नहीं गया था। अच्छा नहीं गए थे ना, तो पर हेमा मिलिस पर क्या छपा तो है शायद, हेमा मिलिस छपा है ना, तो उसमें यही एक बच्चा है मान लो कोई भी है उसमें है ना कि वो उसको रेवरेंस चाहिए, रेवरेंस रिस्पेक्ट भी चाहिए, रेवरेंस चाहिए नहीं होती उसको, उसमें लिखा है ही अर्न रेवरेंस, ही वांट्स रेवरेंस टू बी शोन ड्यू टू हिम। ड्यू टू हिम तो मतलब जो उसका ड्यू, ड्यू माने हक बनता है, हक बनता है वही उसको चाहिए। हाँ वो हक उसको दो, ये नहीं कि आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप तो अबे नरेंद्र समझ गए, जबरदस्ती नहीं करता है, मतलब वो जो है उसका वो चाहिए उसको। उसको ये है कि भाई अगर मैं पीएन हूँ तो पीएन जितनी रेस्पेक्ट मेरी करो, मैं तो बैगर थोड़ी हूँ। बराबर ड्यू रिस्पेक्ट, यस ड्यू है ड्यू, तो वो इंटेंशन हो गई, तो उसका रीजन बन गया ना, रेफरेंस तो चाहता है पर कितनी चाहता है वो उसके, तो उसके हिसाब से वो उसी हिसाब से उसको उस लेवल का बंदा समझता है, मतलब जिस भी लेवल का समझ रहा है वो, उस लेवल की रेस्पेक्ट उसको चाहिए। मान लो प्रेसिडेंट है तो उसको प्रेसिडेंट वाली लेवल चाहिए कि उसको इतने तोपों की सलामी हो और ये हो वो हो। यस सर, तो ऐसे वो उसकी डिजायर हो गई उसका, अब उसने क्यों चाहिए, क्योंकि उसने अर्न किया हुआ है, उसको अपने को कुछ समझता है, फिर वो चाहेगा नहीं मिलेगी तो क्या करेगा, तो ऐसे जोड़ना होता है रूब्रिक्स को। अच्छा मतलब बेसिक विल एंड इंटेंशन। हाँ मतलब सब दवाइयों में ऐसा बिल सब में नहीं मिलेगी, तो जब दवाई पढ़ने लग, मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर मिल जाती है तो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है रूब्रिक में, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं होता कि आपने केस लेते समय पांच रूब्रिक ले लिए और पांच में एक दवाई आ गई तो वो काम ही करेगी। काम करेगी, मान लो आपने 10 रिएक्शन वाले रूब्रिक ले लिए, उसमें विल वाला कोई है ही नहीं, मतलब उसका बेसिक है ही नहीं जिस वजह से वो ये रिएक्शंस दे रहा है ABCD, तो फिर वो तो आपके रिपर्टरी के हिसाब से तो आ गई पर मरीज के हिसाब से वो तो सिमिलिमम हुआ नहीं, नहीं मैकेनिकली आ गई, सिर्फ मैकेनिकल आ गई, तो उस केस में क्या हुआ, अगर कोई एक्यूट केस हुआ तो हो सकता है वो दवाई उसको रिलीफ दे दे पेशेंट को। अच्छा लेकिन थोड़ा सा भी अगर उसमें क्रोनिसिटी हो गई तो वो चाहे 10 रूब्रिक मिला लो चाहे 20 मिला लो, दवाई काम नहीं करेगी। ओके मतलब लेकिन सर आपने ही बोला था कि वे क्रोनिक और एक्यूट ऐसा कुछ होता नहीं है रेमेडी, मतलब ऐसे डिजीज में जो सिमिलर है वो बोला है समझाने के लिए, जो किताबों में लिखा होता है ना, ये एक्यूट डिजीज है, ये क्रोनिक डिजीज है। मतलब एक्यूट का मतलब होता है कि स्लाइट इंडिस्पोजिशन, जैसे अभी ठंड लग गई बुखार हो गया, वैसे तो बंदा है, बंदा रोबस्ट है, हेल्दी है, उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा थी पर ठंड की वजह से बीमार हो गया, तो वो एक्यूट कंडीशन बन गई है। लेकिन जो पहले ही मरियल किस्म का आदमी है, अच्छा अब उसको बुखार हो गया, बुखार तो सेम ही हुआ, तो उसमें ये दवाई काम नहीं करेगी। ओके उसका कंस्टिट्यूशन में वाइटल फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए ना, तो वो पार्शियल रेमेडी काम कर जाएगी। ओके समझ आ गया पॉइंट। ओके सर, और एक पूछना था कि जो मैंने आपको उस दिन पूछा था कि वो अनहेल्दी स्टेट, मतलब रूब्रिक जो है वो तो मेडिसिन से बनाए हैं मैक्सिमम, कौन सा तो उनका जो कौन से भी रूब्रिक जो है वो मेडिसिन के देने के बाद ही हेल्दी स्टेट में अनहेल्दी मॉर्बिड
मॉर्बिड रूब्रिक। हाँ, तो वो सब रूब्रिक मॉर्बिड ही होंगे ना, ऐसा मुझको मतलब ऐसा ये मुझको कंफ्यूजन है कि नहीं, नहीं, मुझको लगता है कि सभी रूब्रिक मॉर्बिड ही है। हाँ, सारे दुनिया में हमारा जितना भी बिहेवियर होता है वो सारा मॉर्बिड होता है। अच्छा, मतलब पैदा होने से मरने तब तक हम कुछ भी जो भी करते हैं वो टोटल 100% मॉर्बिड होता है। ओके, मतलब जैसे हम ईमानदार हैं तो भी मॉर्बिड हैं, चोरी कर रहे हैं तो भी मॉर्बिड है। समझ आ गया? ये समझाना मुश्किल है क्योंकि इसको मैं सहजोग से समझाता हूँ। जैसे जैसे मान लो किसी में एक्सट्रीम फियर है, हाँ, तो हम दवाई देते हैं तो बिट्रेल हट जाता है ना, तो पर फियर जीरो नहीं होता। नहीं नहीं तो ये नहीं है कि उसमें से फियर हमेशा के लिए निकल जाएगा। हाँ, लेकिन सर्वाइवर के लिए फियर भी जरूरी है ना। तो हाँ, जरूरी है ना, जीना है तो फियर भी जरूरी है ना, एंजाइटी फियर ये तो जरूरी है, हर चीज जरूरी है। ईमानदारी भी जरूरी है, खुशहाली भी जरूरी है, माहौल से जो कहते हैं अकोमोडेशन या अडेप्टेशन भी जरूरी है, सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो इसलिए हमारी हर चीज मॉर्बिड है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, हम लोगों का जो शरीर है, जैसे अभी हमारे को ये नहीं मालूम ना हम आपकी है कौन, है कौन का मतलब हमें लगता है कि हम ह्यूमन बींग्स है, यहाँ तक तो ठीक। अच्छा, है तो ये भी एक गलत चीज, गलत फहमी है कि हम ह्यूमन बींग्स है। अच्छा, तो है भी ये मॉर्बिड सिम्टम है कि हम ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ये तो गीता में कहा गया कि आप तो आत्मा हो, और आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, ना जन्म लेती है ना कुछ होती है, ना उसको बीमार होती है, ना उसको कोई जला सकता है, ना कि काट सकता है, ना फलाना, तो हमें तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, गीता कहती है आत्मा हो, हम कहते हैं नरेंद्र या चेतन हो। तो इसका मतलब मैं चेतन हूँ, ये भी एक गलत फहमी हो गई ना हमारे लिए। तो इसका मतलब जब मैं चेतन हूँ, बेसिक की गलत फहमी हो गई, तो उससे जुड़ी हुई आपकी सारी जितनी भी रिएक्शन है, माहौल है, वो सारा ही गलत हो गया ना। अच्छा, तो इसलिए सभी कुछ मॉर्बिड हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब दवाई दी जाती है तो किसी पेशेंट में हेल्दी को दी जा रही है, तो उसी में थोड़ा सा वो सिम्टम दवाई देने के बाद कुछ डेवलप हो गया तो हल्का फुल्का बढ़ गया घट गया, वो थोड़ा बहुत ही बढ़ता है, ये नहीं कि बहुत ही वायलेंट हो जाता है, तो उसी को हम सिम्टम ले लेते हैं। अब जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल चीजें चल रही हैं, उनकी इंटेंसिटी बहुत सीवियर नहीं है, लेकिन पेशेंट बार बार उसी की बात कर रहा है, तो वो एक किस्म का मॉर्बिडिटी हो गया। तो जब जैसे भगवान बुद्ध थे, महावीर, लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्धा, दोनों ने कहा कि आपको मिडल पाथ में चलना है, मध्य मार्ग। सुना होगा आपने, नहीं सुना? मालूम है ना। तो मध्य मार्ग क्या होता है ये नहीं मालूम ना? तो जैसे जैसे हमारी बॉडी है उसमें तीन पार्ट है, एक लेफ्ट सिंपैथेटिक, एक राइट सिंपैथेटिक और एक मिडल सिस्टम, इसको पैरा सिंपैथेटिक बोलते हैं हम लोग। तो पैरा सिंपैथेटिक में आपको रहना है, वो डिवाइन पावर है। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों, लेफ्ट है हमारा इमोशन एंड पास्ट और राइट है हमारा फ्यूचर एंड एक्शंस। अच्छा, तो अब एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, तो दोनों में रहने के लिए मना किया है ना सभी ने? नहीं, बराबर बीच में, न्यूट्रल। बीच में कहते हैं बीच का प्रेजेंट है। तो क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हम लेफ्ट और राइट दोनों को यूज करते रहते हैं, इससे हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। जैसे आप बहुत इमोशन हो जाओगे तब भी थक जाओगे, बहुत काम करोगे तब भी थक जाओगे, उसको करने के लिए फिर हमें सोना पड़ता है। तो सोना जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो मिडल में आके सोता है आदमी, तो उससे रिलैक्स हो जाता है। तो मिडल माने सेंट्रल चैनल, जहाँ आपका वो मिडल चैनल जो है वो पैरासिंपैथेटिक है, उससे आपके अंदर फीलिंग होती है, डिवाइन पावर है वो। तो अब अगर आपका लेफ्ट भी जीरो कर दो, राइट भी जीरो कर दो, तो 24 घंटे आप थॉटलेस रह जाओगे ना, क्योंकि ना फ्यूचर का थॉट होगा ना पास्ट का थॉट होगा। तो वो आइडियल हेल्थ होती है। पर वो किसी को मिलती नहीं है, वो सहयोग से मिलती है बाद में, जब धीरे धीरे जैसे महावीर को मिली, बुद्ध को मिली, जैसे और बहुत सारे हमारे बड़े बड़े साधु संत हैं उनको मिली, ईसा मसीह को मिली, तो वो मिडल पाथ में हेल्थ होती है। इसलिए तुम्हारे चाहे फ्यूचर की थॉट हो चाहे पास्ट के हो, दोनों ही मॉर्बिड हो गए ना। तो हम लोग हम दवाई देते हैं तो उससे भी पूरे कंप्लीट क्योर नहीं होगी। उसमें क्या होता है, अगर एक्सट्रीम राइट में घुसा हुआ है, जैसे बहुत पैशनेट है मान लो, तो उसका पैशन हम जीरो नहीं कर सकते। अच्छा, 90% या 100% से उसको हम 80%, 70%, 20% पे ले आएंगे, तो वो हेल्दी महसूस करेगा ना अपने आप को, समझते हैं? यस सर। तो हम यही तो करते हैं कि भाई आपको वेलबींग आई नहीं आई, तो वो मोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो सेंटर की तरफ बढ़ता है, यानी एक्सेस से लो
और लो हो तो एक्सेस। अच्छा, तो सेंटर में बढ़ता है तो फिर हम कहते हैं भाई ये क्योर हो रहा है, यानी क्योर होता नहीं है दुनिया में कभी भी, क्योंकि वो मेडिसिन से कभी भी हम उसको सेंटर में रख ही नहीं सकते, थॉटलेस कर ही नहीं सकते जीवन में किसी को भी। नहीं, वो तो सहयोग से होगा, जब पूरी कुंडली चढ़ के सहस्त्रार पार कर जाएगी पूरी की पूरी 100 में से 100% तब होगा। तो थोड़ा थोड़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा हेल्दी होगा, तो इसलिए दुनिया में हर चीज मॉर्बिड होती है। इसलिए ये सिम्टम समझ आ गया कुछ कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, वो सिम्टम भी आ गया अभी, मैंने जो पूछा था आपको उसे आ गया ना। तो अब ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है तो इसको तुम शेयर करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? सर मेरे इसमें रिकॉर्डर नहीं, लेकिन मोबाइल में मैं भेज दूंगा। हाँ चलेगा ना, मैं तुम्हें भेज दूंगा और तुम इसको उस पर तुम इसको मतलब तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि मेरा डिस्कशन ये हुआ है और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी मतलब ये मेरा ऑर्डर नहीं है कि आपको करना है। अच्छा, तो नहीं, मैं करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये इससे दूसरे लोगों को फायदा होगा अच्छा, तो शेयर करना है। अगर तुम्हें लगे नहीं ये मेरा पर्सनल है मैं नहीं करूंगा, तो फिर कोई फिर जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालता हूँ जरा सा भी। चलेगा, पर ये सारे सवाल तो जैसे हैं ये सबके जवाब सबके दिमाग में होते हैं। हाँ सर, और मैं सबको जवाब दे नहीं सकता, नहीं बराबर, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है और ना इतनी एनर्जी होती है कि बार 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 समझाऊं। यस सर, समझ आ गया। तो इसलिए अच्छा तो यही है कि क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ जाता है। नहीं नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसको आप शेयर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। चलेगा सर, आप भेज दीजिए, मैं शेयर करूँ। हाँ, मैं इस पर कई लोगों ने भी बीच में करी है हमारे मेरे साथ। हाँ, मैं सुनता हूँ सर, वो आपके चैट मैंने सुनी थी, जो रूब्रिक भी सुने थे। हाँ, लास्ट टाइम आपने फियर पैरालिसिस वो भी समझाया था उस क्रिया को, तो वो भी मैंने सुना था। मैंने तो ऐसे फोन किया था जैसे तुमने किया, तो इसलिए मैंने कर दिया था। ठीक है, मैं क्लियर होता है सर तो सुन के। चलेगा, इससे काफी चीजें लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। ओके।